उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इस्लामपुर कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, जहां से आप एडमिशन वगैरह करते हैं, क्योंकि अभी वेबसाइट को चेंज कर दिया गया है। अब इस साइट पे आप कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल्स के साथ आपको बता देंगे, और क्या नोटिस नई नोटिस है इसके बारे में भी जानकारी आपको दे देंगे। तो सबसे पहले आपको जाके सर्च करना है इस्लामपुर कॉलेज, जी हाँ इस्लामपुर कॉलेज। सर्च करते ही आप इस्लामपुर कॉलेज के एक पेज पे आ जाएंगे। यहाँ देख पा रहे हैं islampurcollege.ac.in, इसी साइट पर वेलकम टू इस्लामपुर कॉलेज पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से ये पेज आ जाएगा। इस पेज पे आप देख पा रहे हैं यही इस्लामपुर कॉलेज का ऑफिशियल पेज है। ये जो ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिंक दिया गया है, या 5 लिंक दिया गया है, फर्स्ट सेमिस्टर न्यू एप्लीकेशन, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, ये जो लिंक दिया गया है यहीं पे आपको जो चीज़ होगा नया, जैसे कि एडमिशन वगैरह होगा उसका भी लिंक यहाँ पे दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा उसका भी लिंक यहाँ दिया जाएगा। तो इसी पे आपको क्लिक करके आगे का प्रोसेस करना है। उसके बाद नीचे देख पा रहे हैं आप इस्लामपुर कॉलेज, यानी इस्लामपुर कॉलेज जो देख पा रहे हैं, इस्लामपुर कॉलेज के नीचे आप देख पा रहे हैं ESTD, यानी जब से इस्लामपुर कॉलेज बनी है तब का वो डेट दिया गया है 1973, यानी 1973, एफिलेटिव टू यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर में इस्लामपुर कॉलेज आता है। उसके बाद देख पा रहे support@islampurcollege.ac.in ईमेल आईडी, उसके नीचे जस्ट देख पा रहे फ़ोन नंबर दिया गया है। उसके बाद आप देख पा रहे स्टूडेंट जोन, ये जो स्टूडेंट जोन देख पा रहे आप, यहाँ जो सर्कल होते जा रहा है, यानी जो चलते जा रहा है, सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर एडमिशन वगैरह, ये सब जो चलते जा रहा है इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जिस पे आप क्लिक करेंगे उसके अंदर आप चले जाएंगे। चलिए हम आपको एक क्लिक करके बताते हैं। न्यू नोटिस के बाद देख पा रहे हैं SBMCM स्कॉलरशिप, इस पे हम क्लिक करेंगे। आपको उसी पे क्लिक करना है तभी आप उसके अंदर जा पाएंगे। तो हम उस पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम इसके अंदर आ चुके हैं। तो इसी तरह से आप भी किसी भी एक पर भी क्लिक करके उसके अंदर आ सकते हैं। उसके अंदर आने के बाद आप जो चीज़ देखना चाहते हैं यहाँ से वो चीज़ आसानी के साथ आप देख पाएंगे। उसके बाद आपको बाहर आ जाना है, बैक आ जाते हैं। उसके बाद बैक पर क्लिक करके यहाँ आ जाएंगे। यहाँ देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से ये सब दिया गया है, अबाउट अस, एकेडमिक रिसोर्स, एडमिशन वगैरह दिया गया है। उसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं फ़ोटो वगैरह, ये जो फ़ोटो देख पा रहे हैं ये कॉलेज की तरफ से अपडेट किया हुआ रहता है इसमें साइट में, पहले भी था अभी भी है, अभी लेकिन थोड़ा बड़ा करके अपडेट किया है क्योंकि साइट को थोड़ा ठीक किया है इसलिए, तो ये बड़ा करके किया गया है। उसके बाद ये फ़ोटो आप राइट क्लिक करके एक एक करके देख सकते हैं। ये जो एरो का निशान है इस निशान पर क्लिक करके आप एक एक करके देख सकते हैं। उसके बाद इस तरफ देख पा रहे हैं आप राइट साइड में नोटिस और यूनिवर्सिटी, ये जो नोटिस देख पा रहे हैं ये नोटिस इस्लामपुर कॉलेज के अंदर से ही, या फिर किसी तरह से नोटिस अगर देगा तो इसके अंदर में आएगा, जो PDF में है इसी तरह नोटिस में यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी देख पा रहे हैं खाली है, यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस अभी तक इसमें इस्लामपुर कॉलेज के साइट में अपलोड यानी अपडेट नहीं किया गया है। अगर कोई नोटिस आएगा तो वो अपडेट कर देगा। उसके बाद नीचे देख पा रहे हैं आप इस्लामपुर कॉलेज के बारे में, वेलकम टू इस्लामपुर कॉलेज, ये जो देख पा रहे हैं आप इसके बारे में कुछ जानकारी दिया गया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इस तरफ देख पा रहे हैं आप टीचर इंचार्ज, जी हाँ ये जो देख पा रहे हैं टीचर इंचार्ज, इसके बारे में आपको थोड़ा बता दे, टीचर इंचार्ज जो है प्रोफेसर काजल रंजन विश्वास है, जी हाँ काजल रंजन विश्वास जो है इस्लामपुर कॉलेज का टीचर इंचार्ज है, जी हाँ। उसके बाद नीचे आप उसके नीचे देख पाएंगे, जस्ट नीचे रीज़न वगैरह ये सब है। उसके बाद इम्पोर्टेंस लिंक वगैरह दिया गया है कॉलेज की तरफ से, प्रोवाइड किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल का, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, UGC का, NAAC का, नेशनल लाइब्रेरी का, उसके बाद एंटी रैगिंग का, ये सब का लिंक दिया गया है, आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद लॉगिंग लिंक दिया गया है, टीचर्स लॉगिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, लाइब्रेरी वगैरह का दिया गया है, यहीं पर आप उसके बारे में डिटेल से जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, क्योंकि हम शुरू से लेकर आखिर तक आपको बता दिए हैं किस तरह से कहां से क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में आपको बता दिए गए हैं। ये जो आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं सबसे फर्स्ट यहां पे आपको सभी लिंक दे दिया जाएगा, जो भी चीज़ करने का होगा
उसी लिंक पर क्लिक करके आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।